तो आज हम घर पर ही बना रहे हैं बेकरी जैसा सॉफ्ट और डिलीशियस चॉकलेट केक, और वो भी बिना ओवन और बिना अंडे के। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो केक हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। एक हैवी बॉटम के पैन के अंदर एक कप नमक लेंगे, फिर उसके अंदर कोई स्टैंड रख लेंगे, आपके पास जो भी स्टैंड हो, नहीं तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं। उसको रख के किसी बर्तन से उसे ढक दीजिए और गर्म करने के लिए रख दीजिए। फिर एक केक टिन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर बटर पेपर लगा लीजिए। अगर बटर पेपर ना हो तो ऑयल लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए, उससे भी केक जो है चिपकेगा नहीं। नाप के लिए सिर्फ एक ही कटोरी बना लीजिए, चाहे कोई कप ले लीजिए चाहे कटोरी, एक ही नाप रखिएगा। यहाँ पे मैंने आधा कप कैस्टर शुगर लिया है। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो चीनी को पीस कर ले सकते हैं। अब 1/4 कप हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल ना हो। इन दोनों को आपस में मिला के अच्छे से क्रीमी टेक्सचर बना लीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच वनीला एसेंस का डालिए और साथ में 1/3 कप दही डालें। दही रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ये बिना अंडे का केक है इसलिए दही डालना ज़रूरी है। इन्हें अच्छी तरह मिलाएं ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। फिर इसके अंदर 1 कप मैदा लेंगे और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे, क्योंकि हम चॉकलेट का केक बना रहे हैं। इसके अंदर फिर 1 चुटकी नमक भी डालेंगे, नमक से सारे फ्लेवर्स खिलकर आते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर इनको हल्के हाथ से सबको छान के आपस में मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1/2 कप दूध डालें जो रूम टेम्परेचर पर हो। इसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर में मिलाएं, कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिलाएं और इसको ओवर मिक्सिंग ना करें। ध्यान रखें कि मिलाने पर बैटर में कोई भी लम्प्स ना रहे। धीरे धीरे इसको सबको मिला लें। केक में जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म होने चाहिए ना ज़्यादा ठंडे। अब इसके अंदर हम 1/2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे ताकि केक अच्छी तरह से फूले। विनेगर सबसे लास्ट में डालें और जल्दी से मिक्स करके केक के टिन में डाल दें। टिन तो हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा है। बैटर डालने के बाद टिन को 2-3 बार टैप भी कर लें ताकि कोई अगर एयर बबल हो तो वो निकल जाए। और ध्यान रखें कि बैटर हमेशा केक टिन के सेंटर में ही डालें। अब इसे फटाफट कढ़ाई में, जिसमें हमने पहले से ही नमक गर्म करके रखा है, उसमें रख दें 30 मिनट के लिए। शुरू में 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर 30 मिनट तक उसको लो ही रखें, बीच में उसे खोलेंगे नहीं। 30 मिनट में देखिए केक बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक टूथपिक डाल के देखिए, अगर टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है तो इसका मतलब केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। अक्सर लोगों का केक बीच में से बैठ जाता है, फूलता नहीं है, लेकिन मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपका केक हमेशा परफेक्ट बनेगा। इसे 15 मिनट तक किसी कपड़े से ढककर रखें ताकि ठंडा हो जाए और मॉइस्ट भी रहे, नहीं तो ऊपर से परत सूख जाएगी। चाकू से इसके सब तरफ से किनारे से इसको अलग कर लीजिए। अगर गर्म गर्म ही इसको टिन से बाहर निकालेंगे तो केक टूट सकता है, इसलिए इसे ठंडा होने पर ही बाहर निकालिए। मेरी ये सारी टिप्स को फॉलो करके केक बनाएंगे तो ना तो आपका केक जलेगा, ना टूटेगा और ना ही चिपकेगा। देखिए कितना बढ़िया बना है, कितने आराम से उसका पेपर भी अलग हो गया है, ना ही चिपका है और ना ही जला है। आप उसको किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह पाउडर शुगर डालें, चाहे कोई फ्रूट डालें या चॉकलेट सिरप डालें, जो भी आपका मन करे उसी से इसको डेकोरेट करें, और नहीं तो ऐसे भी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ इसको खा सकते हैं। अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका केक कैसा बना। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,